डॉग्स टुडे वी आर सीइंग व्हाट इज टोरोडोंटिज्म। तो टोरोडोंटिज्म को बुल्स टीथ भी बोलते हैं। इसे बुल्स टीथ क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके जो टीथ होते हैं ना वो बहुत बल्की होते हैं, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे क्या होता है, क्राउन इज एनलार्ज्ड एट द एक्सपेंस ऑफ द रूट। व्हाट डज दैट मीन्स? दैट बेसिकली द एनलार्जमेंट इज सीन इन द रूट पोर्शन एंड नॉट इन द कोरोनल पोर्शन। तो अगर आप ओरल कैविटी में देखोगे तो आपको सब कुछ एकदम नॉर्मल लगेगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो मेन आपको रेडियोग्राफिकली पता चलेगी। यहाँ पे मेनली क्या होता है, एनलार्ज्ड पल्प चेंबर्स देखने को मिलते हैं। दैट इज द ओनली पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड। एंड नाउ यू कैन सी दिस इज अ नॉर्मल टूथ। इन अ नॉर्मल टूथ दिस इज द बाइफर्केशन पॉइंट, इट इज वेरी नियर टू द सर्वाइकल रीजन, राइट। इन द टोरोडोंटिज्म दिस इज द बाइफर्केशन पॉइंट, सो आई कैन से दैट द बाइफर्केशन पॉइंट हैज मूव्ड अवे फ्रॉम द सर्वाइकल रीजन। सो व्हेन द बाइफर्केशन एरिया हैज मूव्ड अवे फ्रॉम द सर्वाइकल रीजन, दैट कंडीशन इज नोन एज योर टोरोडोंटिज्म। तो ये एकदम कैसा लग रहा है, बुल्स टीथ जैसा, बहुत बल्की बल्की सा टूथ लग रहा है, ठीक है। दैट इज द रीजन वी से इट टू बी बुल्स टीथ ऑल्सो। इफ यू सी टू द क्लासिफिकेशन, वी हैव फोर टाइप्स। दिस इज वॉट अ नॉर्मल टूथ लुक्स लाइक। नाउ यू कैन सी द पल्प चैम्बर हैज इंक्रीज्ड अ लिटल, दिस इज द हाइपो टोरोडोंटिज्म। बेसिकली ये सब जो होता है ना, क्राउन रूट रेशो के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। तो क्राउन और रूट रेशो के बेसिस पे मैं इसे क्लासिफाई कर रही हूँ इनटू हाइपो, मीजो एंड हाइपर। हाइपो में क्या होगा, थोड़ा सा पल्प चेंबर इनलार्ज होगा, मीजो में और ज़्यादा पल्प चेंबर इनलार्ज हो जाएगा। एंड हाइपर के अंदर जो आपका बाइफर्केशन और एरिया होता है ना, वो एकदम मूव कर जाता है फार अवे फ्रॉम द सर्वाइकल रीजन, and that is said to be the hypertorodontism. Moving to the important syndromes which are associated to this problem, you have amelogenesis imperfecta. आप इस केस में टोरोडोंटिज्म के बहुत केसेस दे सकते हो। डाउन सिंड्रोम में टोरोडोंटिज्म बहुत बार देखने को मिलता है। क्लिनपेल्टर सिंड्रोम, एक्टोडर्मल डिस्प्लेशिया, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट सिंड्रोम्स एसोसिएटेड टू द हाइपोटोरोडोंटिज्म or any type of periodontism. If we come to the treatment, see, we do not need any particular treatment in this condition, okay? जब तक आप radiograph नहीं लोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि patient is suffering from periodontism. तो as such, there is no problem which is seen. But the only thing to keep in mind is, मोस्टली इस डायग्नोसिस को आप कब देखते हो, जब पेशेंट आपके पास केरीज की या पेन की कंप्लेन लेकर आता है एंड यू गो फॉर एक्सट्रैक्शन। नाउ व्हेन यू आर एक्सट्रैक्टिंग द टूथ, देन ओनली यू विल कम टू नो आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग दैट दिस इज अ केस ऑफ बुल्स टूथ। सो एज सच देयर इज नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, ओनली व्हेन यू एक्सट्रैक्ट अ केस एंड देन ओनली यू सी दैट दिस इज अ केस ऑफ योर टोरोडोंटिज्म। सो दिस वॉज अबाउट टोरोडोंटिज्म, AKA bull's teeth, a very 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 bulky tooth, and this is commonly seen in the clinics. I hope this video was useful to you. If you liked it, please share this with your friends and subscribe to the channel. Thank you.